जय हिंद टू ऑल ऑफ यू सेवन क्लास स्टूडेंट्स, यू नो टुडे वी स्टडी अबाउट एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी अ कोनिकल क्लास, वी टेक अ कोनिकल क्लास, हम एक कोनिकल क्लास लेते हैं। कोनिकल क्लास में जो है सम कॉटन, उसको कॉटन से बिछा देते हैं और जर्मिनेट सीड्स जो है, जर्मिनेट सीड्स के अंदर कुछ जर्मिनेट सीड्स हैं उसके अंदर हम रखेंगे। तो ये कोनिकल क्लास है, कोनिकल क्लास में जर्मिनेट सीड्स को हमने रख दिया, ठीक है। अब एक छोटी ट्यूब जिसमें के हो एक सॉल्यूशन, मतलब कि सोडा लाइम सॉल्यूशन जो है वो भरकर इसमें लटका दिया है, ठीक। एक बेंड ट्यूब, ग्लास ट्यूब जो कि इसके अंदर डूबी हुई है, उसे इस प्रकार से हम फिट कर देंगे और कॉर्क लगा देंगे, ठीक। वेंट ट्यूब का दूसरा एंड जो है वाटर में डीप किया हुआ है, ठीक। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो है एपरेटस तैयार करेंगे, इसमें हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क पर ड्राई सीड्स ले लेते हैं, ठीक है, और ड्राई सीड्स लेकर इस प्रकार से वेंट ट्यूब लगाकर उसका जो दूसरा आएंगे वाटर के अंदर टब में ड्राई डीप कर देंगे, तो बाद में, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो सेट ए है, सेट ए में क्या होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स है, जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो जर्मिनेटिंग सीड जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर जितनी भी अवेलेबल ऑक्सीजन जर्मिनेटिंग सीड के रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाती है, तो धीरे धीरे यहाँ पे से ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर जो है वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। जो प्रोड्यूस CO2 है, प्रोड्यूस CO2 ने की जो जनरेटिंग सीड ने रेस्पिरेशन किया और सीड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, वो प्रोड्यूसिंग सीड CO2 जो है वो KOH सॉल्यूशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। KOH जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन जो है जर्मिनेटिंग सीड लगातार रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लगातार यूज करते जाते हैं। इधर की भी ऑक्सीजन यूज करी जाती है जो है रेस्पिरेशन के लिए, इधर ऑक्सीजन यूज होती जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी होने पर जो है होलो नदी में, खाली नदी में वाटर का लेवल क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। बट यहाँ पर जो ड्राई सीड्स है, ड्राई सीड्स हैव नॉट रेस्पायर, ये जो है ड्राई सीड्स रेस्पिरेशन नहीं करते, रेस्पिरेशन नहीं करते, इसलिए ना ही ऑक्सीजन की यहाँ पे कभी रेस्पिरेशन की कमी होती है और ना ही वाटर लेवल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो इससे हमें जो है इस प्रैक्टिकल से एक्टिविटी से हमें ये जो है प्रूफ होता है कि जर्मिनेटिंग सीड रेस्पिरेशन करते हैं और ड्राई सीड रेस्पिरेशन नहीं करते। दूसरी बात, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होती है, जो कि ये ऑक्सीजन जरूरी है। ये सेकेंड जो बात है वो भी इसके लिए प्रूफ होती है, ठीक। तो दो बातों का यहाँ पर जो होता प्रूफ हो रहा है, एक तो रेस्पिरेशन जनरेटिंग सीड्स में होता है, ड्राई सीड में नहीं होता, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस एसेंशियल होती है। ओके, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। जय हिंद, एंड नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी कंडक्ट क्वेश्चन आंसर इन एक्सरसाइज।